नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों कल की 2898 AD की रिलीज में अब ज्यादा समय नहीं है। 9 मई को फिल्म रिलीज हो रही है और दोस्तों इसका एक वीडियो लीक हो गया है जो इसमें इसके बीजीएम के बारे में है। बीजीएम का जो वीडियो है वो लीक हो गया है और दोस्तों वो मैंने सुना और क्या जबरदस्त इसका बीजीएम होने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर जो कि संतोष नारायण ने दिया है और दोस्तों एक कंसर्ट के दौरान ये लीक हुआ है और जब इसको आप सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना खतरनाक इसका बीजीएम है। और दोस्तों जब बीजीएम इतना खतरनाक है, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना खतरनाक है, तो दोस्तों आप उम्मीद करिए कि कल्पना करिए कि फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। ये बीजीएम सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि फिल्म डेफिनेटली जो 600 करोड़ इसका बजट बताया गया है वो तो फिल्म हंसते खेलते कवर कर लेगी और डेफिनेटली ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई बॉक्स ऑफिस पर करेगी अगर फिल्म की स्क्रिप्ट दमदार हुई तो। भगवान कल्कि के दस्यु अवतार सॉरी भगवान विष्णु के दस्यु अवतार श्री कल्कि जी से प्रेरित किरदार प्रभास निभा रहे हैं और स्टार कास्ट आप देखिए कितने जबरदस्त है। अश्वत्थामा से प्रेरित किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं, कमल हसन मुख्य विलेन के रोल में है और दोस्तों बहुत सारे सुपर स्टार्स जो साउथ के हैं उनका कैमियो इसमें होने वाला है, जिसमें नानी का नाम आ रहा है, सलमान, दुलकर जूनियर, NTR जैसे कई सितारे इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो बहुत बड़ी स्टारकास्ट है, बहुत बड़ी ये फिल्म है और बहुत लेविसली इसको शूट किया गया है। VFX ऐसा होगा जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। एक्शन सिक्वेंसेज की एक पूरी टीम हायर की गई है, विदेशी स्टंट डायरेक्टर है और इतनी भयंकर इतने जबरदस्त स्टंट आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो बहुत बड़ी रिलीज है, प्रभास आई फिर। और दोस्तों 9 तारीख को फिल्म आ रही है और अब इसका प्रमोशन बहुत तेजी से शुरू होगा। 1 अप्रैल को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। तो अभी बीच में आपको फिर से फिल्म के कोई गाने वगैरह या कुछ एक दो झलक और देखने को आपको मिल सकते हैं। तो BGM की बात करें तो BGM इसका पॉप लेवल का है, टॉप लेवल का है और आपको एक एहसास होगा कि वास्तव में आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो शायद आज तक भारतीय सिनेमा इतिहास में नहीं बनी होगी। हिंदी और तेलुगु में दोनों में इसको अलग अलग शूट किया गया है और बाकी सभी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और इंग्लिश में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलीज होगी और खबर ये भी आ रही है कि विदेशों में भी फिल्म को मेकर्स खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिनसे इनकी बात हो रही थी डिस्ट्रीब्यूट करने की उनसे प्राइस के मामले में मतभेद रहा है, उतनी बड़ी प्राइस वो देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मतलब कल की 2898 AD के बारे में निकल करके सामने आई है। तो जिस तरह से इसका BGM आ रहा है, जिस तरह से इसकी स्टोरी है, जिस तरह से इसकी विजुअल्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन, VFX, स्टार कास्ट है, तो डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के एक नया आयाम स्थापित कर सकती है। और नागस्विन बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। साईफाई प्लस माइथोलॉजी, अपना भारतीय इतिहास है, पुरानी सभ्यता संस्कृति है, किस प्रकार से 6000 साल पहले की जो महाभारत हुई थी उससे प्रेरित फिल्म और फिर किस प्रकार से कहानी फ्यूचर में ट्रेवल करेगी 800 साल आगे की कहानी, तो एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होने वाला है। इंतजार कीजिएगा, इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देगी आपके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोले।